हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजी ब्रेड रोल अप्स। इसके लिए हमें चाहिए 10 से 12 पीस ब्रेड। हम ब्रेड की साइड्स काट लेंगे। अब हम इन ब्रेड पीसेस को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसका बैटर बना लेंगे। मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से हिला लूंगी। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छी तरह से हिला लूंगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसे मैं बटर से ग्रीस कर लूंगी। अब मैं पैन पे 1/2 मिक्सचर फैला दूंगी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब तक हमारा मिक्सचर पक रहा है तब तक मैंने गाजर, शिमला मिर्च और खीरे को बारीक और लंबा काट लिया है। अब मैंने पैन को अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें गाजर डाल के उसे 1 मिनट के लिए सॉटे करूंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है। अब ये थोड़ी पक गई है, इसे मैं निकाल लूंगी। अब मैं इसी तरह से खीरे को भी सॉटे कर लूंगी। खीरे को हम थोड़ा ही करेंगे क्योंकि ये जल्दी पक जाता है। खीरा भी सॉटे हो चुका है, इसे भी मैं निकाल लूंगी। अब इसी तरह से शिमला मिर्च को भी मैं सॉटे कर लूंगी। अब हमारी वेजिटेबल्स सॉटे हो चुकी हैं। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारा मिक्सचर पक गया है या नहीं। जितनी देर हमारा मिक्सचर पकता है तब तक मैं पैन में बटर ले लूंगी। यहाँ पे मैंने बटर 2 चम्मच लिया है। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच मैदा लूंगी और अच्छी तरह से इसको भून लूंगी। अब इसमें थोड़ा सा और बटर ऐड करेंगे। अब इसमें मैं 1 कप दूध डालूंगी। दूध मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से हिला दूंगी। अब मिक्सचर पक्के तैयार है, इसे ठंडा करके हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमारी व्हाइट सॉस बनके भी तैयार हो चुकी है, इसको मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। अब इसके ऊपर सबसे पहले गाजर रखेंगे, फिर खीरा और फिर शिमला मिर्च रख के इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। अब इसको प्लास्टिक रैप में रोल करके इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
इसी तरह से दूसरे रोल में मैंने सब कुछ सेम करके यहाँ पे चीज़ स्प्रेड रख दिया है और इसको रोल करके मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। एक घंटा हो गया है, अब रोल को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब रोल को मैंने काट के रख दिया है और हमारे सारे रोल्स तैयार हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर पैन पे हल्का सा ऑयल लगा के या बटर लगा के इसको हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। देखिए हमारे रोल अप्स बनके तैयार हैं। अब मैं यहाँ पे आपको चीज वाला रोल काट के भी दिखा देती हूँ। इसको भी मैंने काट लिया है और हल्का सा फ्राई कर लिया है। लीजिए हमारे चीज वाले रोल अप्स बनके तैयार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।